धार जिले के गंदवानी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम गरवाल में मतदान दल पर हमला हो गया, जिसमें 3 लोगों को मामूली चोटें आई है। पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान समाप्त होने के बाद धार जिले के गंदवानी विधानसभा के ब्लॉक से जब मतदान दल मत पेटियां और सामग्री लेकर रवाना हो रहा था, उसी दौरान ग्राम गरवाल में निर्दलीय प्रत्याशी भंगड़ी बाई की जीत होने पर विपक्षी लोगों के बीच में विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते दोनों ओर से पथराव शुरू कर दिया गया। मतदान दल की टीम पर भी लोगों के द्वारा पथराव कर दिया और गाड़ियों के कांच फोड़ दिए। इस घटनाक्रम में 3 मतदान कर्मियों को भी चोटें आई हैं, जिनको प्राथमिक उपचार दिया गया है। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, प्रशासन ने तुरंत मौके पर पुलिस बल भेजा और मतदान दल को वहां से लेकर पहुंचे। पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मतदान दल पर हमला होने का यह धार जिले में पहला मामला सामने आया है। जानकारी लगने पर धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन और पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह भी देर रात गंदवानी थाने पहुंचे। ग्राम गरवाल में मतगणना समाप्त होने के बाद मत पार्टी और पेटियां लेके बस में बैठ चुके थे। बस जा रही थी तो जीतने वाले प्रत्याशी ने फटाके फोड़े तो हारने वाले की ओर से उनके तरफ पत्थरबाजी कर रहे थे। उसी के बीच में बस पे मतदान दल की बस पे 3-4 जाती हुई बस को पत्थर मारे, जिससे बस के कांच टूटे हैं। 1-2 पुलिस वाहन के भी कांच टूटे हैं। प्रकरण कायम कर लिया है 100-150 लोगों के विरुद्ध और उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। सर, उक्त घटना में कितने लोग घायल हुए हैं सर, क्या कुछ निकल गया है? 3-8 लोगों को मामूली चोट लगी। कोई गिरफ्तारी हुई सर? नहीं, अभी गिरफ्तार।